तो अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, जिसमें से अपन ने एक डिस्कस कर लिया था, वो था स्केटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल, स्केटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। आपको पता है कि जो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड होता है वो केवल लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, केवल लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। तो जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, इसमें जो स्केटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल आया, उसके अंदर क्या था कि जो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो जो इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा था, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा था। तो सेम उसी प्रोसेसर में अब दूसरा टॉपिक हमें लिख देता हूँ, टॉपिक दूसरा है स्केटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर पोटेंशियल वेल। जहां पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, स्केटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर पोटेंशियल वेल। तो करते हैं इसको आगे, लिख लेना इसको। तो सबसे पहले तो इस प्रकार की जो पोटेंशियल उसकी फॉर्म ग्राफिकल फॉर्म में कैसे आएगी वो देखेंगे। द स्क्वायर पोटेंशियल वेल मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, ऐसे आएगा ये जैसे कोई R है, आर एक्स, और ये इस तरह लेंगे पोटेंशियल, जैसे मैं पोटेंशियल को वी आर से लिखूं, इसे लिख दूं वी आर से, तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल तो नेगेटिव साइड में आएगा। ऐसे मान लीजिए ये जीरो से लेकर ए तक, आर इज इक्वल ए तक वो पोटेंशियल वेल है, जिसकी वैल्यू है माइनस वी नॉट, कितनी है माइनस वी नॉट। और ये दो रीजन हो गए, ये वाला रीजन है आर लेस देन ए, और ये वाला रीजन है आर ग्रेटर देन ए। तो आर लेस देन ए में पोटेंशियल कितना है माइनस वी नॉट, और आर ग्रेटर देन ए में पोटेंशियल कितना है जीरो है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म देखो भाई, वी आर इज इक्वल माइनस वी नॉट, और वो कहां पर है आर लेस देन ए के लिए, ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा, ये लिख लेना व्हेन आर लेस देन ए और व्हेन आर ग्रेटर देन ए, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है भाई। इनको लिखो, तो मैं कैलकुलेशन के लिए इनको साइड में लिख देता हूँ। मैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल आ गया ना, ये वाला जैसे न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल होता है ना, उसको एज ए स्क्वायर पोटेंशियल वेल कंसिडर करते हैं अपन, जिसके द्वारा अपन पढ़ते हैं एल्फा डीके, इसी प्रकार का मानते हैं। तो लिख देते हैं वी आर की वैल्यू माइनस वी नॉट फॉर आर लेस देन ए और जीरो आर ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद में वही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, उसका यूज होगा। तो देखो वी नो दैट रेडियल वेव इक्वेशन, ये वही है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन माइनस एच केट स्क्वायर अपॉन टू एम, एम की जगह म्यू, ठीक है, डी स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर को फंक्शन साई एल आर मान ले,
प्लस वी साई एल आर इज इक्वल ई साई एल आर। अब इसको दोनों रीजन्स के लिए आर लेस देन ए के लिए भी और आर ग्रेटर देन ए के लिए भी इसको राइट डाउन करना है। तो ये इक्वेशन वन अब लिखेंगे फॉर आर लेस देन ए, सिंस इन रीजन आर लेस देन ए, इन रीजन आर लेस देन ए वी कितना है माइनस वी नॉट, कितना है माइनस वी नॉट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन ये ऐसे लिखो, देयरफॉर इक्वेशन वन राइट इन रीजन आर लेस देन ए, आर लेस देन ए में इक्वेशन वन को राइट करना है तो क्या हो जाएगा माइनस एच के टी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर, वहां पर वो साई वन मान ले फंक्शन को, फंक्शन को क्या मान ले साई वन, वी की जगह माइनस वी नोट साई वन आर इज इक्वल ई साई वन आर, ठीक है। अब माइनस सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, माइनस ऐसे लिख रहा हूं मैं, चलो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू म्यू अपॉन एच केट स्क्वायर, माइनस इसका जस्ट इसको फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, माइनस टू म्यू अपॉन एच केट स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी स्क्वायर साई वन आर ओवर डी आर स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस प्लस टू म्यू अपॉन एच केट स्क्वायर, ये वी नोट साथ में है ये साई वन आर इज इक्वल मल्टीप्लाई होगा माइनस टू म्यू ओवर एच केट स्क्वायर और ये ई ये साई वन आर, लिखो भाई यहाँ तक लिखो लिखो यहाँ तक, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर साई वन आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस टू म्यू वी नोट अपॉन एच केट स्क्वायर और क्या रहा है साई वन आर और ये भी प्लस में हो जाएगा टू म्यू ई अपॉन एच केट स्क्वायर, ई ये वन है भाई साई वन आर इज इक्वल जीरो। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये ई मैंने दो बार लिख दिया टू म्यू ई, दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वजह से प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर तो जो टू म्यू वी नोट ओवर एच केट स्क्वायर है इसको मैं मान लेता हूँ के नोट स्क्वायर, क्या मान लिया मैंने के नोट स्क्वायर, और जो टू म्यू ई अपॉन एच केट स्क्वायर है इसको मैंने कंसीडर कर लिया के वन स्क्वायर, क्या कंसीडर कर लिया के वन स्क्वायर, इनको याद रखना भाई बाद में काम आएगा ये। तो अब इन दोनों का यूज इस इक्वेशन में कर दो, सो फ्रॉम ये इसको इक्वेशन दो दे लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन टू, सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन इस वाले इक्वेशन से डी स्क्वायर साई वन आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के नोट स्क्वायर और ये साई वन आर और ये के वन स्क्वायर, इसको मैंने के वन कंसिडर किया है या के स्क्वायर ही मान लो इसको, ये के स्क्वायर ठीक है ना, और ये साई वन आर इज इक्वल जीरो,
इज इक्वल जीरो, दोनों में साई वन आर कॉमन आ गया, तो लिख दो इसको डी स्क्वायर साई वन आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस ये के नोट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कॉमन क्या रहा है साई वन आर इज इक्वल जीरो, साई वन आर इज इक्वल जीरो, यही पढ़ लिखता हूं मैं। चलो अब आगे और देखो, ये दोनों कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्या है दोनों कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो यहां पर लिख देता हूं मैं डी स्क्वायर साई वन जो आर का फंक्शन है डी आर स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मैं मान ले रहा हूं के वन स्क्वायर कंसिडर कर लिया मैंने, और ये साई वन आर इज इक्वल जीरो, हियर के वन स्क्वायर मैंने किसको कंसिडर किया है के नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को, ये क्या आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ठीक है ना, और आपको पता हो तो इस प्रकार की इक्वेशन एक वो भी आती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी ऐसे ही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी सेम एज इट इज होती है, तो इसका सॉल्यूशन लिख दें अपन, सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है उसकी इक्वेशन साइन कोस के फॉर्म में होती है, तो साई वन आर को इस जो वेव है इस वेव का एम्पलीट्यूड मान ले कैपिटल ए साइन के आर, ये इक्वेशन थर्ड है भाई, ये इसको दो ये इक्वेशन थर्ड ये इक्वेशन फोर्थ, ये लिख लो भाई साई वन आर आ गया फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन आ गया, अब अपन को सेकंड रीजन में वेव फंक्शन और फाइंड आउट करना है, इसको लिखो यहां तक, सेम यही प्रोसेस चलेगा भाई सेकंड रीजन में भी, केवल वहां पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लिखो चलो लिखते हैं सेकंड रीजन के लिए, सेंस इन रीजन आर ग्रेटर देन ए पोटेंशियल पोटेंशियल V इज इक्वल जीरो, इन रीजन R ग्रेटर देन A पोटेंशियल V इज इक्वल जीरो, ठीक है, अब देयरफोर इक्वेशन वन राइट फॉर रीजन R ग्रेटर देन A, इक्वेशन फर्स्ट को R ग्रेटर देन A रीजन में राइट डाउन करना है, क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू म्यू डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, वेव फंक्शन साई टू मान लें, वहां पर क्या मान लिया साई टू आर, और ये पोटेंशियल जो हो गया जीरो, ये साई टू आर इज इक्वल ई साई टू आर, ठीक है, ये माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू म्यू डी स्क्वायर साई टू आर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये जीरो हो गया इज इक्वल ई साई टू आर, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भाई डी स्क्वायर साई टू आर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर तो माइनस टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये अरे ये दिख रहा है क्या आपको एक मिनट, सही है भाई दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस साइड लेके आते हैं इसको, क्या हो जाएगा
डी स्क्वायर साई टू आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये साई टू आर इज इक्वल जीरो। इसको क्या मान रहे थे अपन, के स्क्वायर। तो लिख दो, सिंस के स्क्वायर क्या था, टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई टू आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई टू आर इज इक्वल जीरो। सेम ये इक्वेशन है, तो इसी फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन जब वो पार्टिकल पार्टिकल ही होगा, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स मानते हैं, तो पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव मानते हैं, ये कहानी समझ में आ रही है ना, स्केटरिंग एक पार्टिकल का होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या मानते हैं कि पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, एक वेव। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थे ना कि इन क्वांटम मैकेनिक्स ए वेव एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के सहचारी एक तरंग होती है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी। लेकिन बाद में ये जो इसका ये जो हाइपोथेसिस था ना, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया था। कैसे, डी ब्रोगली ने तो ये कह दिया कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, मैटर पार्टिकल, जब वो मूविंग स्टेट में होगा तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, ये बात ठीक है, लेकिन एक सिंगल वेव नहीं होती, क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वेव होता है, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेव, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेव पैकेट, जिसे क्या बोलते हैं अपन, वेव पैकेट। और जो वेव पैकेट बन गया, जो वेव पैकेट बन गया, जो उस वेव पैकेट के एनवेलप की जो वेलोसिटी होती है, उस वेव पैकेट के एनवेलप की जो वेलोसिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और वो ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल ऑब्टेन होती है, ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल ऑब्टेन होती है। इस प्रकार से जो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट था वो ड्राइव हुआ था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, वो अपना मैटर यहाँ पर नहीं है, अपन को तो ये बताना था भाई, ये कहानी समझ में आ रही है क्या, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं जबकि हम ले यहाँ पर फंक्शन रहे हैं, कारण वही है, क्वांटम मैकेनिक्स में मूविंग मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, और वेव का क्या होता है, एक वेव फंक्शन। जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन्स लॉ की जो अहमियत होती है ना, वहीं क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके वेव फंक्शन की अहमियत होती है। तो करते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, साई टू मान ले इज इक्वल, फर्स्ट रीजन में एम्पलीट्यूड ए था, लेकिन वो पोटेंशियल से इंट्रैक्शन करेगा, और जब वो सेकेंड रीजन में जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो वो एम्पलीट्यूड में चेंज क्या मान ले, बी मान ले, और ये साइन ये के आर, फर्स्ट रीजन से सेकेंड रीजन में जाएगा तो कुछ उसका फेज चेंज होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं डेल नोट, इसे कहते हैं फेज शिफ्ट। ये इक्वेशन फाइव, हियर डेल नोट इज इक्वल फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट। ये दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन में दोनों में आपको वेव फंक्शन ऑब्टेन हो गया, तो इनको लिख लेते हैं अब साइड में, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद तो केवल जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन होती है वो अप्लाई होगी, तो लिख लेता हूं इनको साइड में। साई वन आर की वैल्यू क्या आई, ए साइन के आर आर लेस देन ए रीजन में, और ये इक्वेशन है फोर, ये इक्वेशन है फोर, और ऐसे साई टू आर की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन के आर प्लस डेल नोट, और ये आ गया आर ग्रेटर देन ए के लिए, और ये इक्वेशन है फाइव।
अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे भाई, लिखो इसको। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, R इज इक्वल ए के ऊपर दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो यदि वो बराबर हो जाएंगे तो उनके डिफरेंशियल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं, चलो नाउ अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, द वेव फंक्शन साई वन आर एंड साई टू आर, साई वन आर एंड साई टू आर मस्ट मैच एट बाउंड्री R इज इक्वल ए। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से था, ये R इज इक्वल ए की बाउंड्री ये थी, ये R लेस देन ए था, ये R ग्रेटर देन ए था। इस साइड फंक्शन अपने साई वन आर कंसिडर कर लिया और इस साइड वे फंक्शन साई टू आर कंसिडर कर लिया। तो इस बाउंड्री के ऊपर ये दोनों फंक्शन मैच होने चाहिए। क्यों? ये जो वे फंक्शन है, ये वे फंक्शन और ये वेव फंक्शन, दोनों वेव फंक्शन एक ही पार्टिकल के तो है, दोनों वेव फंक्शन एक ही पार्टिकल के हैं, केवल रीजन ही तो अलग है। तो क्या करेंगे भाई, यहां तक रीजन फर्स्ट और इससे पहले रीजन फर्स्ट और इससे आगे रीजन सेकंड। तो इस बाउंड्री के ऊपर एक ही पार्टिकल के दोनों वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम। और बोलता भी यही है, थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में था सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वहाँ पर जो मैक्स बोर्न की जो हाइपोथेसिस थी वो अप्लाई हुई थी, उसमें ये बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, एकल मानी, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है ना, और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है वहाँ पर एक ही पॉइंट हो गया, तो एक ही पॉइंट के ऊपर वेव फंक्शन एक ही होना चाहिए। तो इस साइड के वेव फंक्शन को और इस साइड के वेव फंक्शन को अप्लाई कर दो। क्यों? और एक ही वेव फंक्शन होने का मतलब क्या है, किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट कब होगी, जब उसका फंक्शन एक ही रहेगा। यदि फंक्शन डिफरेंट हो गए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल रहेगा। तो एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स होती है, और वो प्रोबेबिलिटी फिक्स होने का मतलब क्या है कि वहां पर वेव फंक्शन फिक्स है, सिंगल वैल्यूड, एकल मानी है, ठीक है। ये करते हैं भाई, चलो करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन द वेव फंक्शन साई वन आर एंड साई टू आर मस्ट मैच एट बाउंड्री आर इज इक्वल ए। यानी ये बोल रहा है कि साई वन आर और जो साई टू आर है वो बराबर हो जाने चाहिए आर बराबर ए पर। R इज इक्वल ए के ऊपर दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। तो ये इक्वेशन है 6। अब यदि ये इक्वल है तो इनके डिफरेंशियल भी इक्वल एंड डी साई वन आर ओवर डी आर फोर आर इज इक्वल ए, डी साई टू आर ओवर डी आर फोर आर इज इक्वल ए, ये भी मस्ट मैच होनी चाहिए R इज इक्वल ए के ऊपर, कंटिन्यू सतत, ठीक है ना। आगे और देखो, सबसे पहले इक्वेशन 4 और 5 है, इक्वेशन 4 और 5 को 6 में रख दो और फिर इक्वेशन 4 और 5 को 7 में रख दो और जो जो वैल्यू बाउंड्री वैल्यू दी हुई है वो अप्लाई कर दो। तो करते हैं पहले ऑन यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5
इन इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन फोर एंड फाइव इन इक्वेशन सिक्स करो। साई वन आर क्या है, ए साइन के आर, और वो आर इज इक्वल ए, उसकी लिमिट हो गई। ऐसे ही बी साइन के आर प्लस डेल नोट, और लिमिट है आर इज इक्वल ए, तो आर की जगह ए पुट कर दो। ए साइन के ए इज इक्वल बी साइन के ए प्लस डेल नोट, ये इक्वेशन एट, ये इक्वेशन एट। अब वही फोर और फाइव को सेवन में पुट करो, और रख देता हूं मैं। नाउ ऑन यूजिंग इक्वेशन फोर एंड फाइव इन इक्वेशन सेवन, इक्वेशन फोर एंड फाइव इन इक्वेशन सेवन, यहां पर वैसे आप एग्जाम में डायरेक्ट कर देना, ये ऐसे मत करना भाई, मैं तो यहां पर कर रहा हूं भाई, किसी को समझ में नहीं आए तो पता भाई, डायरेक्ट एग्जाम में ओन यूजिंग इक्वेशन फोर एंड फाइव इन सेवन, डायरेक्ट डिफरेंशियल करके अपने मन में डिफरेंशियल करके वैल्यू पुट कर देना बाउंड्री की, ठीक है ना। साई वन की वैल्यू ए साइन के आर, लिमिट आर आर इज इक्वल ए, ये डी ओवर डी आर बी साइन के आर प्लस डेल नोट, और लिमिट आर इज इक्वल ए। पहले डिफरेंशियल करना, उसके बाद में लिमिट रखनी है भाई, पहले डिफरेंशियल उसके बाद में लिमिट, तो कर रहा उसको। तो क्या एक वैल्यू आएगी, देखो ए तो कांस्टेंट है, साइन का कोस के आर, आर का वन और ये के बाहर आएगा भाई, ऐसे ही यहां पर के बी कोस के आर प्लस डेल नोट, और लिमिट है आर इज इक्वल ए, लिमिट है आर इज इक्वल ए। अब ये लिमिट पुट कर दो, के ए कोस के ए इज इक्वल के, दोनों साइड के को कैंसिल कर देगा, कर दो कैंसिल, के कैंसिल हो रहा है ना, बी कोस के ए प्लस डेल नोट, सही कर रहा हूं मैं, ये इक्वेशन नाइन, ये इक्वेशन है नाइन, यहां तक करो। और अब इस इक्वेशन एट को इक्वेशन नाइन से डिवाइड कर दो, इक्वेशन एट को इक्वेशन नाइन से डिवाइड कर दो, और फिर देखो क्या आ रहा है। नाउ इक्वेशन एट डिवाइड बाय इक्वेशन नाइन, इक्वेशन एट डिवाइड बाय इक्वेशन नाइन, एट क्या है, ए साइन के ए, और ये नाइन ए ए कोस के ए इज इक्वल बी साइन के ए प्लस डेल नोट ओवर बी कोस के ए प्लस डेल नोट। अरे शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, मैंने मिस्टेक कर दी भाई, जो इक्वेशन फोर है ना, फोर ऐसे थी, फोर से पहले सॉल्यूशन ये था डी स्क्वायर साई वन ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल, समझना इसको, इज प्लस के वन स्क्वायर साई वन आर इज इक्वल जीरो, तो सॉल्यूशन के वन के फॉर्मेट में आएगा, तो इक्वेशन फोर में यहां पर के वन कर लेना भाई, मिस्टेक हो गई है, सही कर लेना इसको, इक्वेशन फोर में के वन, तो जब यहां पर के वन हो जाएगा ना, तो यहां पर भी के वन, यहां पर भी के वन, ठीक है ना, और यहां पर भी के वन, और यहां पर भी के वन, और अब ये के वन बाहर आएगा, तो ये के वन ऐसे कैसे रहेगा, ये के वन रहेगा, और ये के ऐसे कैसे रहेगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये सही कर लेना इसको, मिस्टेक हो गई मेरे से,
तभी मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट में आने से पूरा ही कटखटा ये कैसे हो गया। इक्वेशन फोर यहाँ पर जो सॉल्यूशन के वन के फॉर्मेट में आएगा भाई, ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये ए साइन के वन ए है और ये है के वन ए कोस के वन ए, ऐसे है। ये बी साइन के ए प्लस डेल नोट और ये बी और ये है के साथ में है कोस के ए प्लस डेल नोट, ऐसे करो इसको। ये ए कैंसिल आउट ऊपर नीचे, ये बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट, साइन बाई कोस टेन, तो ये टेन के वन ए डिवाइड में है के वन, यहाँ पर ये भी हो गया टेन के ए प्लस डेल नोट और ये साथ में है के, ठीक है। ऐसे करो इसको, अब देखो इस के को यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, के अपॉन के वन, ये टेन के वन ए इज इक्वल टेन के ए प्लस डेल नोट, टेन के ए प्लस डेल नोट। एक फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए, और कोट का पता ना क्या था, कोट ए प्लस बी का, कोट ए कोट बी माइनस वन और कोट ए प्लस कोट बी, इस प्रकार से था, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पर करो, तो के अपॉन के वन, ये टेन के वन ए इज इक्वल टेन ए, ये ए ये बी, तो टेन के ए प्लस टेन डेल नोट ओवर वन माइनस टेन के ए टेन डेल नोट। करो भाई इसको करो, टेन डेल नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो। करो इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो k अपॉन k1 tan k1 a, ये 1 माइनस tan k a tan डेल नोट इज इक्वल tan k a प्लस tan डेल नोट। अरे कोई मिस्टेक हो जाए ना कैलकुलेशन में तो आप लोग देख लेना भाई अपने हिसाब से, मैं तो वैसे पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब के अपॉन के वन, ये टेन के वन ए सही है क्या, माइनस टेन के वन ए, ये टेन के ए और ये टेन डेल नोट, टेन डेल नोट इज इक्वल टेन के ए प्लस टेन डेल नोट, कैसे आएगी भाई, कंफ्यूज हो गया मैं तो। टेन डेल नोट की वैल्यू कैसे करें इसको सोल्व करके, ये ऐसे करेंगे
मैं 10 जो डेल 10 डेल नोट पर जो वैल्यू उसको एक्सट कर ले, उसके बाद क्या आएगा देखो देखे, चलो करो इसको, आएगा तो ऐसे ही कुछ। 10 डेल नोट की वैल्यू को एक्सट करो भाई, के ऐसे करो 10 K1A माइनस 10 K1A टेन के ए टेन डेल नोट, सही लिख रहा हूँ, इज इक्वल K1 अपॉन K टेन के ए प्लस K1 अपॉन K टेन डेल नोट। तो अब टेन K1A इसको इस साल लेके आऊँ, 10 K1A माइनस K1 ओवर K 10 KA 10 KA इज इक्वल ये इस साइड आएगा तो 10 डेल नोट कॉमन भी आएगा, 10 डेल नोट कॉमन यहाँ पर K1 ओवर K कर दिया, चलो प्लस में हो जाएगा, प्लस 10 K1A इंटू 10 के ए इंटू 10 के ए करो भाई, यहाँ तक करो। अब देख लो लो एनर्जी की जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दो, लो एनर्जी की कंडीशन अप्लाई कर दो, अब करो देखे अप्लाई, फोर ये ऐसे करो यहीं पर लगा दो, फोर लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल, लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल यानी के ए वेरी वेरी लेस देन वन, देन 10 के ए जो है इसको ऊपर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट के ए, 10 के ए को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं भाई, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है ना तो 10 थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा वो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, तो क्या हो जाएगा देखो 10 K1 A माइनस K1 ओवर K और 10 के ए को लिख दिया मैंने के ए इज इक्वल 10 डेल नोट ये K1 ओवर K प्लस 10 के ए 10 ये देखो ये तो के ए लिख दिया और ये क्या लिख देगा इसको 10 K1 A सही। अब देख लो भाई 10 डेल नोट की वैल्यू टेन K1 A माइनस K1 ओवर K और ये के ए ये K को ऊपर नीचे कैंसिल कर देगा, ये K ऊपर नीचे कैंसिल तो ये K1 A बचेगा, क्या बचेगा K1 A ओवर और ये K1 ओवर K प्लस के ए 10 K1A लिखो भाई, इसको लिखो
कैल्शियम ले लो यहाँ से कैल्शियम, तो टेन डेल नोट इज इक्वल के, जब एलसीएम आएगा तो ऊपर तो जाएगा के टेन के वन ए माइनस के वन ए, ये के ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी के के वन ए मल्टीप्लाई साथ में पूरे में होगा ना, और यहाँ पर के वन प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर ए टेन के वन ए फोर लो एनर्जी स्केटरिंग, लो एनर्जी स्केटरिंग के वन वेरी वेरी ग्रेटर देन के वन वेरी वेरी ग्रेटर देन के स्क्वायर ए टेन के वन ए, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो इसको नेग्लिजिबल मान लिया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन डेल नोट की देखो, सो टेन डेल नोट इज इक्वल के टेन के वन ए माइनस के के वन ए ओवर के वन ओवर के वन, टेन डेल नोट इज इक्वल के अपॉन के वन टेन के वन ए माइनस के ए माइनस के ए। चलो करो, अब यहाँ से भी के ए कॉमन ले लो और सोल्व कर लो भाई, यहाँ से भी के ए कॉमन लेके सोल्व कर लो, के ए कॉमन लेके सोल्व कर लो, कैसे टेन डेल नोट ये लो भाई के ए कॉमन लिया, तो अब के तो यहाँ पर भी है लेकिन ए नहीं है, तो टेन के वन ए ओवर के वन ए माइनस वन, फिर आगे लो एनर्जी के लिए फेज में चेंज बहुत कम होगा, फेज में चेंज बहुत कम होगा, फोर लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल, लो एनर्जी स्केटरिंग पार्टिकल जो 10 डेल नोट है इसको अप्रोक्सीमेट लिख देंगे डेल नोट, ये वैल्यू क्या आ गई के ए टेन के वन ए ओवर के वन ए माइनस वन, ठीक है ना, ये लिख दो भाई। और ये इक्वेशन शायद इक्वेशन 9 है, बाकी वो आप लोग और देख लेना। ये आ गई 10 डेल नोट की वैल्यू, अब आपको केवल लिखना है टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो क्या फॉर्मूला था वो, नाउ टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी 4 पाई ओवर के स्क्वायर समेशन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल नोट, यही था ठीक है। तो देखो 4 L इज इक्वल 0 यानी दैट इज S वेव, दैट इज S वेव मिनिमम वैल्यू नहीं L की, तो सिग्मा T की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई ओवर K स्क्वायर, L की वैल्यू 0 तो 1, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल नोट, तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, तो यहां पर डेल नोट का स्क्वायर। अब ये डेल नोट की वैल्यू इक्वेशन 9 से पुट कर दो, आंसर आ गया, कर दो पुट, और फिर लो एनर्जी के लिए जिसको नेग्लिजिबल मान सकते हो नेग्लिजिबल मान लो भाई, करो पुट करो, रब कर देता हूं इसको, इक्वेशन 9 का यूज कर दो, ले देता हूं मैं ऑन यूजिंग इक्वेशन 9, क्या हो जाएगा सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर, और ये डेल नोट की वैल्यू देख लो स्क्वायर है वहां पर, यहां पर स्क्वायर है तो के स्क्वायर ए स्क्वायर टेन के वन ए
ओवर के वन ए माइनस वन, ये कैंसिल आउट, तो सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई a स्क्वायर, ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, टेन के वन ए ओवर के वन ए माइनस वन माइनस वन। तो क्या लिखेंगे, सिंस टेन के वन ए ओवर के वन ए वेरी वेरी लेस देन वन, रीजन बताऊंगा मैं अभी क्यों, अभी रीजन ही बताऊंगा, देयरफॉर सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई a स्क्वायर, इतना है बचेगा। इसका मतलब यहां पर भी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सेम रिजल्ट आया भाई एज ए क्लासिकल रिजल्ट। इसका कारण देखो क्या है, इसका कारण देखो क्या है, पता है आपको कि K1 स्क्वायर आपने किसको कंसिडर किया था, K स्क्वायर प्लस K नॉट स्क्वायर को, ठीक है ना, और K स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2μe/h² स्क्वायर, और ये क्या था 2μv0/h² स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत कम होगी, ये वैल्यू बहुत कम, और तो आपके पास में के वन स्क्वायर अप्रोक्सीमेट हो जाता था के नॉट स्क्वायर, इस कारण से ये वैल्यू, या अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू हाई आएगी, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी इसका स्क्वायर, ठीक है भाई, ये कर लेना आप लोग। और यहाँ पर एनर्जी का कोई रोल नहीं है तो इसको भी लिख दो, सो इट इज क्लियर दैट इन लो एनर्जी स्केटरिंग फ्रॉम ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ये पूरा हो गया भाई, ठीक है ना, लिखो इसको। अब इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, इससे अपन नेक्स्ट लेक्चर में इससे डिस्कस करेंगे उसको, सेम इसी फॉर्मेट का है वो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, वो आएगा स्केटरिंग फ्रॉम ए हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर का मीनिंग जहां पर पोटेंशियल बहुत हाई हो, पॉजिटिव पोटेंशियल हो और वो बहुत हाई हो, इस प्रकार का पोटेंशियल, इस प्रकार के पोटेंशियल को बोलते हैं अपन हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं अपन, हार्ड स्फीयर पोटेंशियल। वही आएगा इस जो अपन ने जो लेक्चर डिस्कस कर लिया, वहां पर पोटेंशियल क्या था, माइनस में था, जबकि यहां पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। सेम वही दो रीजन मानेंगे, फर्स्ट सेकंड, और दो रीजन मानकर वहां पर अपन क्या करेंगे, वेव फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। वेव फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद में अपन बाउंड्री वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। लेकिन जब बाउंड्री वैल्यू पर ऑब्टेन करेंगे तो यहां पर रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्टेन होगा। वहां पर जो आपके पास में टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा वो पाई ए स्क्वायर आएगा, जो अपन थर्ड ईयर न्यूक्लियर में भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वहां
तो थर्ड ईयर न्यूक्लियस की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगी हार्ड स्पेयर से। क्यों? क्योंकि आपके पास में न्यूक्लियस का जो होता है ना, जैसे रदरफोर्ड स्केटरिंग करते हैं, एक ऐसे क्या मानते हैं, टारगेट न्यूक्लियस मानते हैं, इस साइड से कोई पार्टिकल ऑप्टेन वो इंसिडेंट होता है वो जाता है इस साइड से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब वो एक प्रकार से इस हार्ड स्पेयर की तरह वर्क करेगा। एक स्मॉलेस्ट स्पेयर को अपन एक क्यूब के द्वारा शो कर सकते हैं, एक स्मॉलेस्ट स्पेयर को अपन एक क्यूब के द्वारा शो कर सकते हैं। इस कारण जो स्मॉलेस्ट स्पेयर है एज ए न्यूक्लियस, उसके पोटेंशियल को अपन एक हार्ड स्पेयर के फॉर्म में शो करेंगे, एक हार्ड स्पेयर के फॉर्म में शो करेंगे, और फिर टोटल क्रॉस सेक्शन की अपन कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।